आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव धतुरा मेघा नगला पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 25 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 15 किलोमीटर है। 3200 वोट और 9000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती अर्चना ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ग्राम प्रधान अर्चना और सचिव रणवीर सिंह के सहयोग से सड़कों के साथ साथ स्कूल का भी काफी विकास कराया गया है। अपने कार्यकाल में इन्होंने गांव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधानपति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के धतुरा मेघा नगर ग्राम पंचायत में, जहाँ ग्राम प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं या किस तरह से इनकी आगे समय रहते कोशिशें जारी है, कोरोना काल में किस तरह से यहाँ लोगों को इनका सहयोग मिला है, यह क्या क्या परेशानियां अभी इस गांव में बाकी हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं, सबकी जानकारी हम यहां ग्राम प्रधान से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं ग्राम प्रधान सब से। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि ये कार्यकाल आपका लगभग पूरा होने को है, हम ये जानना चाहेंगे कि इस बीते कार्यकाल में आपने क्या क्या विकास जो है अपने गाँव में किया। बिना रास्ते सारे कच्चे थे, अब तक मैंने सारे रास्ते सारे तो नहीं करा पाऊंगा, लेकिन गांव के अंदर बढ़िया से बढ़िया करा दिया जितना अच्छा हो पाया और जितनी मेहनत करता हूँ। हालांकि जो मैं सोचता हूँ अगर चुनाव में तो हर आदमी कहता है वोट दो वोट दो, मैं नहीं कहता हूँ, मैं सोचता हूँ तो एक सहयोग जी बिल्कुल आपका काम अच्छा है तो जनता को सुनाई दी। मैं तो समाज सेवी हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने गाँव में समाज से आवास मिले हैं यहाँ लोगों को। हाँ मिले हैं, बस पूजा कितने परिवार यहाँ अभी रह रहे हैं? अभी लगभग 120 परिवार, लगभग 10-15-20 परिवार रह गए। मैं सोचता हूँ उन परिवारों को जल्द से जल्द कोशिश प्रयास पूरा हो रहा है कि मिलना चाहिए। तो यार गरीब लोग मिले तो लोग गांव में कहते हैं कि वह तुम्हारा नहीं मिला उसको मिला, तो वो अभी लोग अनपढ़ लोग बेचारे हैं जो लोगों को पता नहीं है, वो कहते हैं कि आवाज हमारा नहीं मिला, लेकिन 2011 में नाम हो गया तो मिला। अब न्यू नाम हुआ है, सरकार ने दिए हैं, अब जैसे पुराने को सरकार ने दे दिए, अब देखिए ये भी प्रयास हो रहा है, चल रहा है कि अब हमारे आने वाले टाइम में और सबको हम आवास का समर्थन करा। आपकी कोशिश इसमें जो है पूरी तरह से जारी है ताकि लोगों को आवास मिल सके। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगेंगे, लाइट लगेंगे गाँव में, पूरे गाँव में लगा हुआ है, सब सब कुछ सही हो रहा है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, तो आपके गांव में जो जनता है उसको कितने परसेंट सरकार की योजनाओं का लाभ पूरा पूरा मिल पाता है? हमारे यहाँ मोदी जी ने उज्ज्वला के कनेक्शन कराए, सब फ्री कराए, निःशुल्क कराए, बहुत अच्छा हुआ है गाँव में, क्योंकि हर गाँव में गरीब अपने चूल्हे से इतना जोड़ के अगर बना उससे गैस से खाना बना रहे महिला, बहुत अच्छा हुआ है। रही बात ये कि किसान पेंशन अभी कुछ 20-25% रह गई है हमारे यहाँ और 70% मिल रही है। मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल में क्या क्या कार्य हैं? कौन से वाले कौन से बाथरूम में सब कुछ एकदम व्यवस्था करा, टंकी रखवा के और जो फ्रेश बच्चों के लिए पानी की सुविधा भी कराई है और सब फर्श वर्श करा के मरम्मत करा के बढ़िया करके काम किया, कार्य कराया हमने, सफाई उफाई बढ़िया करके और साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई बिल्कुल एकदम साफ रखी, सब कुछ रखिए। मैं भी सोचता हूँ एक सफाई करनी है हमारे तीन गाँव में, सोचता हूँ मैं तो एक आदमी क्या करेगा, मैं अपनी गली में खुद साफ कर लेता हूँ कभी कभी। मतलब आप अपने हमारे प्रधानमंत्री जी हैं देश के, वो सफाई करते वो सफाई करते छोटे से आम जी बिल्कुल एक नागरिक होने के नाते प्रसन्नता है कि उसमें पूरा सहयोग ठीक, तो हम सहयोग इसमें करना चाहते हैं, साफ सफाई अपने खुद करना चाहते हैं, यानी कि सफाई करने से बेचारा सब क्या करेंगे। जैसे कि यहाँ सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा 12 घर पंचायत भवन ये बने हुए नहीं हैं, तो अगर कभी कोई खुली सभा या बैठक मतलब करने की जो है जरूरत होती है तो किस तरह से उसको मैनेज करते हैं? देखिएगा हम कहीं स्कूल में कर लेते हैं, कभी बच्चे नहीं होते हैं फिर अपनी बैठक पे कर लेते हैं या मंदिर पे कर लेते हैं, मंदिर में फील्ड है थोड़ा वहाँ कर लेते हैं, लेकिन सरकारी कोई भी अभी तक पहले के लोग जो प्रधान थे वो सब लोग ग्राम सभा बेच गए,
होली चौक पे शादी बताएंगे अपने गांव में और ज्यादा विकास हो आपके गांव में, या किस समस्याएं ऐसी हैं जो कि गांव को पूरी तरह से विकासशील होने में लगता है कि अभी यहां कमियां हैं, तो उसके लिए किस तरह का जो है प्रयास आपका है, किस तरह की मांग आप सरकार से करना चाहते हैं? सरकार तो ठीक ही कर रही है, अब जो हम अच्छा काम कर रही है सरकार का काम कार्यकर बढ़िया है। और रही बात ये कि हमको भी जितना विकास करेंगे आगे कुछ रह गया है, अब देखिए सारा एक तरफ से जो होता नहीं थोड़ा बहुत रह गया है, उसको हम कार्य को पूरा सरकार से मान करेंगे। जैसे कि आपने बताया यहाँ समतल कार्य हमारे गाँव में समतल घाट की जगह नहीं थी, किसी ने कोई गौरी नहीं दिया कि समतल घाट को दर्ज कराएं, हमको जगह ना होने के कारण उपेंद्र मंत्री ने भी कहा था, ठाकुर रामकृष्ण देसाई ने भी कहा था कि प्रधान जी को अपना मैंने उसके लिए उम्मीद है कि आपको लोगों का सहयोग मिल रहा है और समय रहते ही ये समस्या भी यहाँ पर दूर हो जाएगी। देखिए अपना समतल घाट बना लीजिएगा, तो हमने देखा तो लेखपाली से पूछा तो हमारे गाँव में समतल घाट की दर्ज नहीं थी। प्रधान जी आप दर्ज कराइए, जैसे कि कुछ समस्याएं आ रही हैं आगे, काफी ग्राम प्रधान ने अपने स्तर पर गाँव में विकास को लेकर काफी खर्च भी किया है, सब कुछ किया, लेकिन अब कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं क्योंकि पूरे देश की स्थिति जो है तंगी में है इस वक्त, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिएगा खर्च तो देखिए घर में भी होता है, परिवार में भी होता है, लेकिन हम नहीं मानते, हम सिर्फ समाज से भी हम तो जनता की सेवा करना चाहते हैं, हम कनीता ये भी नहीं कि हमें पब्लिक प्रधान बनाए नहीं बनाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, कोई नहीं, हमें तो ये है कि किसी गरीब को परेशानी हो तो मैं आधी रात खड़ा होना चाहूँ, जनता के आगे आधी रात मुझे जैसे कि कोरोना महामारी चल रही है उसको लेकर हम सब जाते रहते हैं हर मोर्चे जागरूक हो गए हमारे गाँव में, क्योंकि हर एक चौकड़ी नहीं मार सकते, अलग अलग दूरी बनाकर बैठे। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान पति से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इस बीते कार्यकाल में इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टेरेस का रे आवाज भी यहाँ लोगों को मिले हैं, लेकिन अभी भी लगभग 120 से 25 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है, जिसके लिए ग्राम प्रधान की निरंतर कोशिशें जारी हैं, सरकार से मांग भी जारी है और पूरी तरह से उनका जो है विश्वास है कि सरकार पूरी तरह से मदद करेगी तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति को पात्र व्यक्ति को यहां आवास मुहैया होगा। इसके साथ ही अगर और समस्याओं की तरफ नजर करें तो यहां प्रमुख समस्या जो है वो शमशान घाट को लेकर है, जिसके लिए ग्राम प्रधान की कोशिशें भी जारी हैं और सरकार से मदद चाहते हैं, काफी लोगों से मदद का आश्वासन भी मिला है, उम्मीद है समय रहते ही समस्याएं भी यहाँ पर हल हो जाएंगी। मैं अर्चना कुमारी, मैं ग्राम प्रधान अर्चना कुमारी कटोरा मेघानंदा ग्राम पोस्ट मोरा पांडे तहसील सदर जिला मुरादाबाद से ग्राम मैडम, जैसे कि आप ग्राम प्रधान हैं हमारे ग्राम पंचायत, तो विकास को लेकर के क्या आप कहना चाहिए, कितना योगदान आपका यहाँ पर रहा है और इस पंचवर्षीय में विकास कार्य में? योगदान हमारा अच्छा रहा है, विकास हमने अच्छा कराया, जो हमसे हमें सरकार से धनराशि मिली है हमने मतलब उस धनराशि अपने गांव में अच्छा विकास कराया है, उस धनराशि मैंने पूरी जो सरकार ने जो भी दिया है योजना या धनराशि आपने पूरा तरह से गांव में यहां लोगों को जी जी दिया है जी जी। तो अब जैसे कि समय रहते चुनाव की तैयारी है, ये कार्यकाल पूरा लगभग समाप्ति की ओर है, अब अपने ग्रामवासियों को क्या कहना चाहेंगे इन चुनावों को लेकर के या अपने विकास कार्य को लेकर के, किस तरह से उनसे जो है मतलब उम्मीद करती हैं आप? जी हम ये उम्मीद करते हैं, जैसे हमने हमें जितनी धनराशि मिली हमने काम कराया, अगर मतलब गांव के जो ग्रामवासी हैं हमें आगे चुनना चाहिए तो हम उससे बेहतर काम कराएंगे गाँव में जी, अच्छे काम कराएंगे। तो यहाँ जैसे महिलाएँ हैं, महिलाओं की समस्याएँ आप सुनती हैं जी 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 जी, किसी तरह की अगर जरूरत होती है हमारी चाहती नहीं है तो आप उसमें थोड़ा दे दीजिए।